नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप साथी पर। आपके साथ ये बहुत बार होता होगा ना कि आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, बुलिश होने वाला है, आपको कुछ स्टॉक्स बाय करने हैं जिससे आप अच्छा खासा कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास उतने फंड्स नहीं है। पर आपका पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। तो धन आपको एक बहुत ही कमाल का फीचर यहाँ पर अवेलेबल कराता है जिसको कहते हैं प्लेज। प्लेज में ये होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो के शेयर्स के अगेंस्ट पैसे अवेलेबल कर सकते हैं, यानी कि फंड्स अवेलेबल कर सकते हैं, और उन फंड्स का इस्तेमाल आप किसी भी पोजीशन को बाय करने के लिए कर सकते हैं। आप इक्विटी करें, कमोडिटी करें, करेंसी करें, ये सारी चीज़ों में आप कर सकते हैं, और ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने कोई शेयर प्लेज किया हुआ है और उसे आप बेचना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेच सकते हैं, अनप्लेजिंग अपने आप हो जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप धन में कैसे प्लेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एप्लीकेशन अपनी ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ पांच बटन दिखते हैं, जिसमें यहाँ पर एक थैली बनी हुई है रुपी साइन के साथ। इस पर आप चले जाइए, मनी का बटन होता है। मनी के बटन पर जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको अपने फंड्स वगैरह दिखाई देंगे, जिसमें नीचे की तरफ देखिए गेट इंस्टेंट मार्जिन बेनिफिट ऑफ इतना इतना, यहाँ पर साफ लिखा है प्लेज शेयर्स इन योर होल्डिंग्स फॉर मार्जिन बेनिफिट। आपको बस ये स्टार्ट का बटन दबा देना है। स्टार्ट का बटन दबाने के बाद आपको दो अलग अलग चीजें दिखाई देगी, पहला है प्लेज योर स्टॉक्स और दूसरा है डिस्कवर स्क्रिप्ट विथ हायर मार्जिन। तो यहाँ पर आपको अपने दिए हुए स्टॉक्स का मार्जिन मिलेगा, और यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि ऐसे कौन से शेयर्स हैं, ऐसे कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं जो कि आपको मैक्सिमम प्लेजिंग के बाद मार्जिन प्रोवाइड करती हैं। तो आपको एक्सप्लोर करना है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कैश इक्विवेलेंट में आपको दिखाई देगा कि भाई इतनी सारी चीज़ें अगर आप ये खरीदते हैं तो इस पर आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। देखिए यहाँ पर साफ लिखा 90% मार्जिन, मतलब अगर आप 1000 रुपये का ये शेयर खरीदते हैं तो आपको 90% 900 रुपये तक इस पर मिल सकते हैं मार्जिन, जो आप यूज़ कर पाएंगे। अगर इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे निप्पॉन इंडिया, तो ये भी आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा। तो इस तरीके से बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी, तो इनमें से भी आप कुछ ना कुछ खरीद के फिर उनका मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इक्विटी और ETF भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिनमें आप पैसे लगा सकते हैं और मार्जिन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टेंट बाय आपको मिल जाएगा। और दूसरा बटन है गेट मार्जिन, जो आपके अभी अवेलेबल स्टॉक्स हैं उन पर आप मार्जिन ले सकते हैं। तो आप गेट मार्जिन का बटन जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या है और आपको कितना मार्जिन मिल सकता है, ऊपर की तरफ ही आपको दिखाया जाता है। तो दोस्तों, हर एक स्टॉक का जो है अलग हेयर कट होता है। हेयर कट का मतलब कि भाई कितना परसेंटेज ऑफ शेयर आपका जो है होल्ड किया जाएगा ब्रोकर की तरफ से, और बाकी परसेंट आपको मार्जिन के रूप में दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मेरा फर्स्ट शेयर देखें तो ये मार्जिन में 80% मुझे दे रहा है, मतलब 20% का हेयर कट ही अपने पास रखते हैं, बाकी मुझे दे देते हैं यूज़ करने के लिए। इस तरीके से आप किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए और आप प्लेज कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर छोटे छोटे बटन्स बने हुए हैं, अगर आप ऐसे शेयर्स को प्लेज करना चाहते हैं जो 90% से भी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं है मार्जिन, तो आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको दिख जाएंगे। अभी फिलहाल कोई भी नहीं, 80% करेंगे तो यहाँ पर दो आपको दिख रहे हैं, 70% करूंगा या उससे अब तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि भाई 70% से ज़्यादा कौन से शेयर देते हैं। अदर्स में आप और चेक कर सकते हैं कि और कौन से हैं जो उससे भी कम मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जितने भी मार्जिन की ज़रूरत है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर पहले तो डिसलेक्ट करता हूँ और जितना मार्जिन मुझे चाहिए, देखिए एक्सपेक्टेड मार्जिन यहाँ पर दिख रहा है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे लगभग इतना रुपए मार्जिन मिल जाएगा, अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो इतना रुपए मार्जिन मिल जाएगा, तो मैं ये वाला मार्जिन जो है लेना चाहूँगा। ओके, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको लेना है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रोसीड टू प्लेज शेयर का बटन दबाना। अब देखिए यहाँ पर से आप हेयर कट भी देख सकते हैं किसका हेयर कट कितना है, और मार्जिन भी देख सकते हैं। इसके बाद अब इतना याद रखना कि प्लेज करने के लिए आपको एक टाइम की लिमिट होती है जिसके अंदर आप प्लेज कर सकते हैं, वो है 9 AM से 9 PM के बीच, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक। और उसी तरह अगर आप अनप्लेज करने जाओगे तो वो 9 AM से 3 PM के बीच ही होता है, मतलब मार्केट आवर्स के बीच में होता है। अब जैसे ही आप देखिए प्लेज के बटन पर, प्रोसीड टू प्लेज शेयर के बटन पर दबाएंगे, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि भाई आप ये कर रहे हो, ठीक है, आपको कंसेंट देना है यहाँ पर और कन्फर्म प्लेज रिक्वेस्ट करनी है। जैसे ही कन्फर्म करते हैं आपको CDSL की वेबसाइट पर लेकर जाया जाता है और आपसे एक OTP वेरिफिकेशन मांगा जाता है। ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई गई पूरी वैल्यू कि आप इसको कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। नीचे जाना है, आपको OTP यहाँ पर डालनी है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको आ जाती है। OTP आ चुकी है, यहाँ पर हम OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई का बटन दबा देना है, और आप देख सकते हैं योर प्लेज रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल। तो आपको ये प्लेज रिक्वेस्ट जो है आपकी डल गई है। अब इन्होंने बोला है कि भाई कुछ समय लगेगा, 24 से 48 घंटों के अंदर जो मार्जिन बेनिफिट है आपको मिल जाने वाला है। सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, विद इन 15 मिनट्स ही आपको मार्जिन मिल जाता है। इन्होंने बोला कि मैक्सिमम इतना लग सकता है कि आपको मार्जिन मिनट इतने देर में मिले, तो आप उसका वेट कर सकते हैं। दोस्तों, अब अनप्लेज अगर आपको करना है तो आपको यहाँ पर देखिए मनी का बटन दिखाई देगा। आप सिंपली इस मनी के बटन पर चले जाइए और यहाँ से आपको देखिए गेट इंस्टेंट मार्जिन बेनिफिट ऑफ ये दिखा हुआ है यहाँ पर,
ये प्लेज का बटन होता है, तो यहाँ पर स्टार्ट का जो बटन मिलेगा इस पर आप क्लिक कर देना। ये करने के बाद गेट मार्जिन हम करेंगे, सेम वही प्रोसीजर जिससे हमने प्लेज किया था, और प्लेज्ड के बटन पर दबाएंगे। जैसे ही प्लेज के बटन पर दबाते हैं, आपने जो भी प्लेज किया हुआ है वो सारे स्टॉक्स यहाँ पर नजर आते हैं। तो जिसको आपको अनप्लेज करना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया नाइका पर कि मैं अनप्लेज करना चाहता हूँ, नीचे बटन मिल जाती है प्रोसीड टू अनप्लेज शेयर्स, आपको बस इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही बोलेंगे भाई कंफर्म अनप्लेज रिक्वेस्ट, ये देखिए यहाँ पर पूरा डेटा आपको मिल जाता है कि भाई इतने इतने रुपए जो है निकलेंगे, कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही अनप्लेज रिक्वेस्ट सेंट हो जाती है और थोड़े समय में अनप्लेज भी हो जाएगा। देखिए अनप्लेज रिक्वेस्ट रिसीव्ड, अनप्लेज स्टेटस इन प्रोग्रेस, गो टू हम कर देना है। तो बस इतना ही है अनप्लेज करने के लिए, बहुत सिंपल सा तरीका। तो आप ये फीचर का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी और एक्सपीरियंस को और अच्छा बना सकते हैं दोस्तों। देन ऐसे ही अच्छे फीचर और लाते रहेगा तो मैं आपको बताते रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।